हाय हेलो, आई चैलेंज यू। बस ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, यू विल बी थोरो विद योर डिफेंस का, स्टैटिक जी के प्लस योर करंट अफेयर्स, दोनों को मिक्स फॉर्मेट में देखेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे कि किस किस तरीके से अलग अलग जाल फेंक कर आपसे ये डिफेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, राइट? ओके, अच्छा, मैंने एक डिफेंस का बहुत अच्छा फुल फॉर्म भी बनाया है, पिन कमेंट में चेक कर लेना एंड टेल मी कि आप डिफेंस का और क्या बेहतर फुल फॉर्म बना सकते हो, है ना, टू गिव इट अ मोटिवेशनल और जोश टाइप टच। ठीक है, ओके, आई विल राइट दैट इन कमेंट सेक्शन। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि जो ऑलरेडी डिफेंस डिटेल वाली 2 घंटे 16 मिनट्स की वीडियो जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, अभी भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, और जहाँ पे डिफेंस को पूरा ही डिटेल फॉर्मेट में हमें समझाए कि क्या कैसे चीज़ें होती है, राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस। तो उसी के बेसिस पे हम ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्लस करंट अफेयर्स वुड बी एक्स्ट्रा इन दिस वीडियो। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोर्सेस में जाना रहेगा, वहाँ पे सीडीएस बैच देखना होगा, और फिर डेमो सेक्शन में जाओगे ना तो आपको डेमो में वो फ्री वीडियो मिल जाएगी, तो उसको चेकआउट ज़रूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, दीज आर कुछ गुड प्लेटफॉर्म्स फॉर यू टू फॉलो, राइट? दिस इज ऑन इंस्टा एंड टेलीग्राम। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, 360 डिग्री, पहले वीडियो को पॉज करते हुए चलना, आंसर खुद डिटरमाइन करना, एंड देन राइट इन द कमेंट सेक्शन आपके कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको एड ऑन करनी होगी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बढ़ते जाएंगे एंड यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ इट, ओनली 30 क्वेश्चंस, राइट? एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी। वीर गार्जियन 2023 एक एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया के साथ तो है इतना हमें पता है, इंडिया के साथ कौन सा कंट्री? इट इज़ जापान। मैं आपको बता दूं, वीर गार्जियन का ये मेडन फर्स्ट टाइम ये शुरू हुआ है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। अगर हम जापान की अगर बात करना चाहें तो जापान के साथ आप और हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, अगर आर्मी की बात करें, आर्मी धर्मा गार्डियन, राइट? इस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज है, पहली बार हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या एस्पेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको बता रही हूँ, बस इतना ध्यान रखना। जो वीर गार्जियन है ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयरफोर्स। अगर आर्मी की पूछ ली जाए, जापान के साथ कौन सी आर्मी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो है हमारी धर्मा गार्जियन। अगर नेवी की बात कर ले, नेवल एक्सरसाइज कौन सी करते हैं, तो इट इज़ जीमैक्स। ठीक है, जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज, इतनी बातें याद रहनी है चाहिए हमें। ठीक है, ये हो गई स्टैटिक पोर्शन से। वीर गार्जियन 2023 की अगर हम बात करें तो इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात ये है कि इसमें सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है, वो स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी फ्लाई करने वाली है, शी इज़ द वेरी फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू डू सो, तो इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन और भी स्टेटमेंट फॉर्म में क्या आ सकता है, स्पेशली सीरियस में, एफकैट में आपका वन लाइनर क्वेश्चन होगा तो यहाँ से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस निकल सकते हैं। सीडीएस में अगर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं सुखोई 30 MKI, उसके अलावा आपकी रीफ्यूलिंग के लिए कौन सा यूज़ हुआ है, IL-78। ठीक है, और आपका एयरलिफ्टिंग के लिए कौन सा यूज हुआ है, C-17 ग्लोब मास्टर। ये सारे इक्विपमेंट्स या फाइटर जेट्स यूज हुए हैं। और स्टैटिक में चले जाए तो हमने सुखोई 30 MKI और IL-78 ये दोनों हमने कहाँ से लिए हैं, हमने रशिया से लिए हैं, C-17 ग्लोब मास्टर हमने USA से लिया है। ठीक है, इतनी सारी अलग अलग डाइवर्स इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं, ये आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन हो गया। ठीक है, पूरा स्टैटिक पोर्शन, सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बट आई वुड से इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ते रहना। आई वुड से जो इस साल 2022-2023 में जो एक्सरसाइजेस हाईलाइट हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, तो वो हम करंट अफेयर्स में अभी पढ़ेंगे। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी इसमें, एक तो
किन के बीच में होता है, कौन सी कंट्रीज ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि लोकेशन क्या है। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल में मतलब 2022-2023 में ये सारी एक्सरसाइजेस हुई हैं, तो सुपर इंपॉर्टेंट है, जिनको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हुई है गगन स्ट्राइक। गगन स्ट्राइक जो है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में है। अच्छा, यहाँ पे अगर स्पेसिफाई ना किया हो ना आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो बाय डिफॉल्ट वो आर्मी की एक्सरसाइज होगी। अगर स्पेसिफाई किया है एयरफोर्स या नेवी, तो आप अपने आप से समझ जाओगे, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि अगर वरुणा एक्सरसाइज है कि एक नेवी की एक्सरसाइज है, आर्मी की है या एयरफोर्स की है, तो ये सारी भी स्मॉलर डिटेल आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जो भी डाउट्स आते जा रहे हैं ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई ट्राई, मतलब मैं तुरंत से उसको रिवर्ट करने की जरूर कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है गगन स्ट्राइक, और इस बार ये हुई है पंजाब में, ठीक है। ओके, इसके अलावा पूर्वी आकाश और प्रलय, ये वन बाय वन ही हुई है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इनके होने का इम्पॉर्टेंस क्या है, ये हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब इंडिया और चाइना के बीच में, ये हुई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्यों, क्योंकि चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तवांग वाले रीजन में, अरुणाचल वाले एरिया में, तो वहाँ पे ये एयरफोर्स को तैनात किया जा रहा है, उसके लिए प्रलय और पूर्वी आकाश एक्सरसाइजेस हुई है। दिस इज अनदर एयरफोर्स एक्सरसाइज, ठीक है। ट्रोपेक्स, इसको बिगेस्ट वॉर गेम की तरह बोला जाता है, यू नो बिगेस्ट वॉर गेम। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड इवन इंडियन कोस्ट गार्ड इज इन्वॉल्व। कहाँ पे हो रहा है, इंडियन ओशियन रीजन में। ट्रोपेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एमफैक्स, एमफैक्स में आपका बेचारा कोस्ट गार्ड को हटा दिया गया, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स को रखा गया। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज हो रही है। साइक्लोन वन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्यों, सबसे पहले तो ये स्पेशल फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं। स्पेशल फोर्सेस किसके, आर्मी के और इंडियन आर्मी और इजिप्ट आर्मी के, और ये पहली बार एक्सरसाइज हो रही है, तो दिस इज सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट। कहाँ, इंडिया इजिप्ट स्पेशल फोर्सेस, साइक्लोन वन कहाँ हो रहा है, राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। ओके, जहाँ पे हमारी क्यारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हुई है, वहीं हुई है क्या, आई एम नॉट वेरी श्योर, राइट। एग्जाम के टाइम पे आई हैव टोटली क्लोज डाउन ऑल दी सोशल मीडियाज, जहाँ पे ये ऐसी खबरें मिले जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई हैव क्लोज डाउन ऑल। तो आप तो देख ही रहे होंगे, आप बता देना, ठीक है, कहाँ हुई है उनकी शादी, ठीक है। वरुणा, वरुणा एक्सरसाइज, अभी आप देखो सुपर कंफ्यूज होने वाले हो, अभी मैं बताती हूँ कैसे। वरुणा आपकी नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में वेस्टर्न सी बोर्ड में ये एक्सरसाइज चल रही थी। सूर्य किरण, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में है, नेपाल में हो रही थी। काजिंद, इंडिया और कजाकिस्तान में के बीच में की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, हो कहाँ रही है, मेघालय में। संगम, संगम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता होगा, आप लिख सकते हो, मतलब अगर आपको पहले से ये चीज़ पता थी कि ये मार्कोस और नेवी सील्स, मतलब ये नेवी के स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है, ये क्वेश्चन भी अभी आएगा, स्पेशल फोर्सेस का भी क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे देखते हैं कितने लोगों को पता है। मार्कोस और नेवी सील्स, नेवी सील्स आपकी नेवी की स्पेशल फोर्सेस है, यूएसए की, ठीक है, अमेरिका के नेवी की ये स्पेशल फोर्सेस है, नेवी सील्स, आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा, है ना। गोवा में इसकी एक्सरसाइज हो रही है। संगम, हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया के बीच में कहाँ हो रही है, मलेशिया में हो रही है। अच्छा, अब देखो, अब इंटरेस्टिंग पोर्शन आ रहा है, गरुड़ा शक्ति, एक एक एक्सरसाइज है आपकी गरुड़ा शक्ति, जो कि स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में होता है। एक गरुड़ा अलग एक्सरसाइज है, देखो, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रहा है, ये गरुड़ा शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। गरुड़ा इस एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस, देखो गरुड़ा शक्ति वो स्पेशल फोर्सेस आर्मी की, एंड गरुड़ा इस एयरफोर्स की एक्सरसाइज, और एक और तीसरी यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, शक्ति एक्सरसाइज भी है। शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में है, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस ओनली, ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस ओनली,
ठीक है, गरुड़ा शक्ति अलग है, गरुड़ा अलग है, शक्ति भी अलग है। चलो ठीक है। नसीम अल बहार इंडियन नेवी और ओमान की नेवी के बीच की एक्साइज है। मालाबार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चार देश मिलके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए बेसिकली इस एक्साइज को स्टार्ट किया था, दैट इज नेवल एक्सरसाइज है, ये याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स की, राइट। फिर है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, बेसिकली यूएस और साउथ कोरिया के बीच में है, लेकिन बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी टाइगर ट्रायंप, ये इंडिया और यूएस की ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस HADR एक्सरसाइजेस है। HADR क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, मतलब साइक्लोन जैसी, अर्थक्वेक जैसी कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पे किस तरीके से रेस्क्यू करना है, किस तरीके से लोगों को बचाना है, ये सारी HADR एक्साइज में होती है। कहाँ हो रहा है टाइगर ट्रायंप? इट इज़ इन विशाखापट्टनम, राइट, इट इज़ इन विशाखापट्टनम। चलो ठीक है, ये है जो इस साल की करंट अफेयर वाइज इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टैटिक में तो ये सारी एक्साइज आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पे ही हैं। ये सारी मिलिट्री एक्साइजेस के टाइप्स में आपको बता रही हूँ चारों तरफ से घुमा घुमा के कि क्या क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज इज नॉट कंडक्टेड, नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी नहीं होती? देखो, संप्रीति की बात करें तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच की एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, संवेदना की अगर मैं बात करूं, संवेदना इज अगेन HADR की एक्सरसाइजेस, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। इसमें इंडिया और बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका भी पार्टिसिपेट करता है, नेपाल भी पार्टिसिपेट करता है, UAE भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो गई, तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों है इसमें। INBN बिलेट, ये बेसिकली क्या है? इंडिया बांग्लादेश बाईलैटरल एक्सरसाइजेस, ये बंगो सागर भी इसको कहा जाता है, बंगो सागर। अगेन इट इज नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और जबकि इकता की बात करें ना, इकता इज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स के बीच में होगा, तो ये नॉट बोला है, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज इकता, राइट, इकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखा 360 डिग्री हमने पूरा ही अच्छे से देख लिया। ठीक है, ईस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स का कहाँ पे है? सुपर इंपॉर्टेंट कमांड्स आपके तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सुपर इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले देख लो इंडियन एयरफोर्स कितने कमांड्स हैं। आई वुड से कि आप है ना इस तरीके से पूरा चार्ट बना लो, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, फिर इसका अच्छे से लिख लो नॉर्थ, साउथ, वेस्टर्न, ईस्टर्न, इस तरीके से है ना सारे सेंटर्स टेबुलर फॉर्म में बनाओ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर एयरफोर्स की बात करें तो 7 कमांड है हमारे पास। वेस्टर्न, इसमें नदर्न कमांड नहीं है, ठीक है, नदर्न कमांड नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ डैश करके रख सकते हो आप। वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। साउथ वेस्टर्न कमांड इज इन गांधीनगर। ईस्टर्न कमांड इज इन शिलोंग, जो यहाँ पे क्वेश्चन था हमें पता चल गया उसका आंसर। ठीक है, ये सब याद रखना, आर्मी में जब आएगा तब क्रॉस चेक करते रहेंगे हम दोबारा से। ठीक है, ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इजी होंगे जो ऑलरेडी ऐप पर ऐप की फ्री क्लास देख चुके हैं, है ना, तो अगर नहीं देखी दोबारा से देख लेना, वहाँ पे पूरा अच्छे से डिटेल वाइज एक्सप्लेन किया है, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान हो जाएंगे, राइट। ठीक है, सेंट्रल कमांड आपका प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था। मेंटेनेंस कमांड आपका नागपुर में है। ट्रेनिंग कमांड आपका बेंगलुरु में है। सदर्न कमांड आपका तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, चलो आर्मी और नेवी के भी देख लेते हैं। आर्मी के भी 7 कमांड है, सच एस आपके एयरफोर्स, देखते हैं। नदर्न कमांड नहीं था, चलो इस तरीके से रिविजन हो जाएगा हमारा। नदर्न कमांड एयरफोर्स में नहीं था, यहाँ पे आर्मी में क्या है? उधमपुर। वेस्टर्न कमांड इज इन चंदी मंदिर, अभी हम आर्मी का बढ़ रहे हैं, दिस इज आर्मी। ठीक है, ठीक है, वेस्टर्न कमांड एयरफोर्स का कहाँ पे था? न्यू दिल्ली में। साउथ वेस्टर्न कमांड इज इन जयपुर, आर्मी का, और वहाँ पे गांधीनगर था। ठीक है, सदर्न कमांड इज इन पुणे, वहाँ पे सदर्न कमांड क्या था एयरफोर्स में? तिरुवनंतपुरम था। ठीक है, ईस्टर्न कमांड इज इन कोलकाता,
एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड कहाँ पे था? शिलोंग में। ये आप दिमाग में इमेजिनेशन करते हुए चलना, ठीक है, याद करते हुए चलना, सिर्फ सुनना मत। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा है लेकिन फिर भी फालतू में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है क्योंकि हम क्रॉस सोच लेते हैं। सेंट्रल कमांड इज इन लखनऊ, एयरफोर्स का कहाँ पे था सेंट्रल कमांड बताओ? प्रयागराज में था, राइट। नेवी बहुत सिंपल सॉर्टेड है, ओनली 3 कमांड्स हैं यहाँ पे। वेस्टर्न इज इन मुंबई, सदर्न इज इन कोची एंड ईस्टर्न इज इन विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैग भी बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इट इज़ अपॉइंटेड एज न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी आते हैं। विच कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? CDS की बात कर रही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसने बोला था? देखो, इसका आंसर है कारगिल रिव्यू कमेटी। इसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पता है? कारगिल रिव्यू कमेटी, जब कारगिल वॉर खत्म होने वाला था तब ये कमेटी बिठाई गई कि अब आर्मी में क्या, या तो पूरे डिफेंस फोर्सेस में क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या मॉडर्नाइजेशन लाने चाहिए ताकि हम वॉर में बेटर परफॉर्म कर सके, कम डैमेज हो। तो जो चीफ की पॉइंट्स थे ना कारगिल रिव्यू कमेटी के, एक तो था CDS को अपॉइंट करना चाहिए ताकि तीनों फोर्सेस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन सके। इससे पहले ऐसा था ना कि एयरफोर्स की जब ज़रूरत थी तब वो ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, आर्मी को अकेले लड़ना पड़ा। तो ये सारे छोटे छोटे ग्लिचेस को हटाने के लिए एक कॉमन सेंटर पॉइंट होना चाहिए, कॉमन हेड होना चाहिए ताकि रोल्स अच्छे से कैटेगराइज हो। तो ये CDS का कारगिल रिव्यू कमेटी ने ही बोला था कि ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा कारगिल रिव्यू कमेटी ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था हमारी जो आर्मी है उसकी एवरेज एज हमेशा कम करने के बारे में हमें सोचना चाहिए। इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा यंग शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले जो सोल्जर्स हैं वो हमें चाहिए, ताकि हमारी, हमें बुढ़े नहीं चाहिए आर्मी में, हमें फिट एंड यंग आर्मी चाहिए। तो शॉर्ट सर्विस के यंग सोल्जर्स को लाओ ताकि जब भी उनकी एज बढ़ जाए तो उनको रिटायर कर दो। इसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से अग्निवीर स्कीम को रिक्रूट किया गया, ठीक है, इंडक्ट किया गया। तो अग्निवीर स्कीम इज द डेरिवेटिव ऑफ योर कारगिल रिव्यू कमिटी ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी DB शेखतर कमिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर AFCAT CDS दोनों में पूछा गया है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं DB शेखतर कमेटी के बारे में, तो इसमें जो डिफेंस के एलोकेशंस है उनको रीबैलेंस करने की बात की है, ठीक है, रीबैलेंस करने की बात की है। मतलब फालतू खर्चों को कम किया जाए और स्टिल वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दी मॉडर्नाइजेशन एंड। मतलब जो आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए खर्चे हो रहे हैं दैट इज़ फाइन, बट जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं उनको कट डाउन करना है, राइट, ठीक है। तेंदुलकर कमिटी इज दो रिलेटेड विथ पुअर्टी, राइट। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसने रेकमेंड किया था? कारगिल रिव्यू कमिटी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रैंक, इस क्वेश्चन का इंतजार नहीं कर रहे थे क्या आप लोग? इक्विवेलेंट रैंक कमांडर ऑफ इंडियन नेवी क्या होता है एयरफोर्स में? मतलब नेवी में कमांडर होता है, एयरफोर्स में उसकी इक्विवेलेंट क्या होता है? शुरू से पूरे रैंक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, जैसे ही आप एग्जाम क्लियर कर लोगे आपका AFCAT CDS, आप फिर SSB में अपियर होगे, SSB भी क्लियर कर लोगे, मेरिट भी क्लियर कर लोगे, मेडिकल भी क्लियर कर लोगे, फिर जाके आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, ठीक है। इफ़ यू आर फ्रॉम आर्मी परमानेंट कमीशन तो आप IMA जाओगे, आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन तो OTA जाओगे, इफ सिलेक्टेड फॉर AFA यू विल गो टू AFA एंड इफ INA तो यू विल गो टू इंडियन नेवल अकेडमी, राइट। कहाँ पे हैं ये अकेडमीज थोड़ा सा नोट कर लें, IMA इज इन देहरादून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेशर्स को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। OTA कहाँ पे है? आपका चेन्नई में है, राइट। AFA इज इन दुंदिगुल, AFA इज इन दुंदिगुल हैदराबाद, INA इज इन एजीमाला, दिस इज इन केरला एजिवला, ठीक है, ओके। जब आप एक ट्रेनिंग एकेडमी से अच्छे खासे ट्रेन हो जाओगे, उनका जितना भी ट्रेनिंग पीरियड है उतना काट लोगे, और फिर जब कमीशनिंग की बात आएगी तब हमें रैंक समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आर्मी की बात करें तो आप एज एन लेफ्टिनेंट,
ल्यूटेनेंट लेफ्टिनेंट आप कुछ भी बोल सकते हो, एज अ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी आप कमीशन होते हो, ठीक है, लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन में प्रमोट होते हो, कैप्टन के बाद मेजर में, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, आराम से देखना, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बैजेस का स्ट्रक्चर क्या है, एक नेशनल एम्बलम है, एक नेशनल एम्बलम और एक स्टार है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ओके। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आप कर्नल बनते हो, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर बनते हो। देखो ब्रिगेडियर ऑनवर्ड्स है ना, अब ये बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर से अब आपको जो कार मिलती है, कार में और आपके कॉलर में, कॉलर यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसका क्वेश्चन भी है, डोंट नो, नॉट टू वरी, आपके कॉलर पे भी स्टार लगने शुरू हो जाते हैं और आपकी कार पे भी स्टार लगते हैं, ठीक है। तो ब्रिगेडियर का एक स्टार होता है, राइट, एक स्टार। अब यहाँ से फ्लैग ऑफिसर्स शुरू हो जाते हैं। ब्रिगेडियर के बाद यू गेट प्रमोटेड टू मेजर जनरल, इनके कॉलर पे दो स्टार लगे होते हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल, इनके कॉलर पे आपके तीन स्टार लगे होंगे। एंड जनरल, जिनको COAS भी बोला जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखो जो अभी रिसेंटली जिन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी एंड दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस डिफेंस की चीज़ें वगैरह, तो आप बिल्कुल मत घबराना, आप जस्ट कमेंट में लिख दो, वैसे भी कोई आपको पहचान नहीं पाएगा कि हु आर यू, कि तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि इतना सिली से डाउट है या क्या है। वट एवर योर डाउट इज, चाहे आपको कितना भी सिली लगे, जस्ट नोट इट डाउन, आई विल गिव answers and reply to you। इन silly doubts से expert बन के ही आप advanced level की preparation तक पहुँच सकते हो, वरना concept हमेशा कच्चा रह जाएगा, right? ठीक है, अब general COAS, अच्छा अभी COAS कौन है, chief of army staff कौन है, जनरल मनोज पांडे, राइट, जनरल मनोज पांडे। अच्छा ये बताओ, अभी आर्मी चीफ तो मैंने आपको बता दिया, मुझे ये लिख के बताओ कि अभी का नेवी चीफ और अभी का एयरफोर्स चीफ कौन सा है, ठीक है, बिना गूगल किए, बिना गूगल किए, राइट, ठीक है। आप लिखोगे ना उसके उसके हिसाब से मैं आपको गलती बताऊंगी, मुझे पता है आप कौन सी गलती करने वाले हो लिखने में, तो लिखना ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में, आई विल करेक्ट यू कि आपकी ये गलती है, ठीक है, ओके। COAS के भाई साहब के चार स्टार्स होते हैं इनकी कॉलर पे और इनकी कार पे, ठीक है, कार के नंबर प्लेट पे चार स्टार लगे होते हैं। एंड देन ऑनररी रैंक फील्ड मार्शल, अभी तक दो ही लोग फील्ड मार्शल बने हैं, ये एक ऑनररी रैंक है, ठीक है, ये फाइव स्टार वाली रैंक है, ओनली दो लोग ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं, ठीक है, अभी यहाँ तक पहुँच करते हैं। ये पूरा इंडियन आर्मी का हमने देखा क्या रैंक स्ट्रक्चर होते हैं, अब इक्विवेलेंट हम एयरफोर्स और नेवी में भी देखेंगे, जैसे कि अगर आप AFA से कमीशन होके आते हो एयरफोर्स में, सबसे पहले यू विल बी कमीशन्ड एज फ्लाइंग ऑफिसर, आप फ्लाइंग ऑफिसर बनोगे, जो कि लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट होता है। फ्लाइंग ऑफिसर से आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हो, अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जाती हूँ, आप इक्विवेलेंट करते रहना ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ओके। फ्लाइंग ऑफिसर के बाद आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद आप स्क्वाड्रन लीडर बनते हो, स्क्वाड्रन लीडर के बाद आप विंग कमांडर बनते हो, विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन के बाद वापस से आपकी स्टार वाली सीरीज शुरू हो जाती है, ठीक है, ब्रिगेडियर और एयर कॉमोडोर के वन स्टार रैंक बोली जाती है, वन स्टार रैंक, ठीक है। एयर कॉमोडोर के बाद एयर वाइस मार्शल, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा जोर से सुनो और वॉल्यूम और बढ़ा के सुनो, एयर कॉमोडोर के बाद एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल के बाद एयर मार्शल, एयर मार्शल के बाद एयर चीफ मार्शल, और एयर चीफ मार्शल के बाद द ऑनररी फाइव स्टार रैंक मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। ये सिर्फ एक ही इंसान को अभी तक दिया गया है, ऑनररी रैंक्स को हम अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है, अभी ठीक है, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। उसके बाद हम नेवी में आते हैं, नेवी में नेवी में आते हैं। आप जब इंडियन नेवल एकेडमी से कमीशन होते हो तो आप बनते हो सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, सब लेफ्टिनेंट इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सब लेफ्टिनेंट के बाद आप लेफ्टिनेंट बनोगे, तो अगर आपसे लेफ्टिनेंट कहा गया है कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ, तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई साहब आप
आर्मी ए लेफ्टिनेंट हो या नेवी के लेफ्टिनेंट हो, क्योंकि लेफ्टिनेंट इज द फर्स्ट द जूनियर मोस्ट रैंक इन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी. लेकिन जो लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी है वो एक प्रमोशन के बाद का रैंक है. ठीक है, लेफ्टिनेंट के बाद आप लेफ्टिनेंट कमांडर बनोगे, लेफ्टिनेंट कमांडर के बाद कमांडर, कमांडर के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद कोमोडोर. ये कोमोडोर इज दी वन स्टार रैंक. ठीक है, कोमोडोर के बाद रियर एडमिरल बनते हो, देन वाइस एडमिरल, देन एडमिरल एंड देन दी ऑनररी फाइव स्टार रैंक एडमिरल ऑफ द फ्लीट. अभी तक कोई भी एडमिरल ऑफ द फ्लीट की पोजीशन तक नहीं पहुंचा है, मतलब आज तक नेवी में किसी को ऑनररी रैंक नहीं दिया गया है. यू स्टिल हैव अ वेरी ग्रेट चांस कि आप हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लो, राइट. तो अभी तक एडमिरल ऑफ द फ्लीट कोई नहीं बना है. हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कमांडर इन इंडियन नेवी एयरफोर्स में क्या कहलाता है. कमांडर इन इंडियन नेवी, देखो इंडियन नेवी का कमांडर कहाँ पे है, ये फोर्थ वाला रैंक. दिस इज इक्विवेलेंट टू आपका विंग कमांडर. विंग कमांडर मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल. ये आपका ये आंसर हो जाएगा, ए वुड बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, समझ आ गया. ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा आगे. फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट आर ऑफिसर्स इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी स्टार्स. अभी अभी हमने देखा है. अच्छा, इन फोटो में अगर हम देखें, ये कौन है? ये हैं जनरल मनोज पांडे. लेकिन ये फोटो कब की है, थोड़ा सा ध्यान से अब हमें दिमाग लगा के देखना है. ठीक है, ये फोटो तो है जनरल मनोज पांडे की. अच्छा, लेकिन ये फोटो कब की है, जब ये लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे. देखो है ना, लेफ्टिनेंट जनरल कैसी होती है, इस तरीके की कुछ आपकी फोटो दिख जाएगी. लेफ्टिनेंट जनरल, राइट. ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल के आपके कितने स्टार्स होते हैं, 3 स्टार्स देखने को मिल रहे हैं, राइट. तो हमने क्या पढ़ा था, जो फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जो ये ऑनररी रैंक्स हैं, ऑनररी रैंक्स की कितनी, कौन सी स्टार की रैंक बोली जाती है, 5 स्टार जनरल रैंक बोली जाती है. ठीक है, तो अभी तक की जो ऑनररी रैंक्स जिनको दी गई है, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे, SHFJ मानेकशॉ. फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ, इनको सैम मानेकशॉ के नाम से भी बुलाया जाता है, इनको सैम बहादुर के नाम से भी बुलाया जाता है. ठीक है, ओके. फिर जो सेकंड फील्ड मार्शल बने थे वो थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा. ये सेकंड फील्ड मार्शल थे लेकिन फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ. और एयरफोर्स का 5 स्टार ऑनररी रैंक मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कौन थे, अर्जन सिंह. और एडमिरल ऑफ द फ्लीट तो कोई अभी तक नहीं बना है. ठीक है, तो ये ऑनररी रैंक हमें समझ में आ गया. ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में, अब यहाँ पे साफ साफ पता चल जाएगा कि हमें कितना याद रहा है कितना नहीं रहा. यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देंगे और आप खुद ही आंसर निकालोगे. पहले क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर इन द कमीशन रैंक्स. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, ये इंडियन आर्मी की बात करें, राइट. आप पहले लेफ्टिनेंट बनते हो, फिर कैप्टन बनते हो, मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल के बाद कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल. ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने सही सीक्वेंस लगाई है. ठीक है, ओके. सेकेंड, ये एयरफोर्स का है, राइट, एयरफोर्स का. ठीक है, सबसे पहले आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हो, फ्लाइंग ऑफिसर के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है. थर्ड देखते हैं, दिस इज अगेन IAF का ही. फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, ग्रुप कैप्टन, नहीं ग्रुप कैप्टन नहीं, विंग कमांडर पहले बनते हैं, है ना. विंग कमांडर आप पहले बनते हो, उसके बाद ग्रुप कैप्टन बनते हो. तो सी वुड बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे, मतलब हमें नॉट करेक्ट सीक्वेंस पूछा था, तो सी वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, ये नेवी का सही होगा, है ना. अब हमें आंसर मिल चुका है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Type 6 question. ठीक है, Type 6 question आ चुका है. अब हम करंट अफेयर्स पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट. रिसेंटली 5th Scorpene class सबमरीन को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है. सबसे पहले स्कॉर्पिन क्लास क्या है,
क्या है ये, कौन सा प्रोजेक्ट आता है, ये है प्रोजेक्ट 75i, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंडिजिनियस मतलब मेड इन इंडिया, हम 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन बना रहे हैं, मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को हम बना रहे हैं 6, और वो 6 सबमरीन्स कौन सी होंगी उसका नाम याद रख लो, ये बार बार ऐसी लॉन्च हो रही है, इसकी न्यूज़ आ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। INS कलवरी, INS खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। तो 5th हमसे पूछा है, 5th कौन सी हो जाएगी, वागीर वुड बी द राइट ऑप्शन। 6th पूछेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, वागशीर वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कर क्या रहे हैं, प्रोजेक्ट 75i में सबमरीन्स बना रहे हैं, ठीक है, मॉडर्नाइज इंडिजिनियस मेड इन इंडिया सबमरीन बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। कौन सी कंपनी बना रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में आ सकता है, मेजागोन डॉक लिमिटेड, ये कंपनी सबमरीन्स बना रही है, ठीक है, ओके समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली वी शोराड वॉज इन न्यूज, ये क्या है वीर शोराड, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें जो न्यूज़ में हैं, वो है मेड इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्रचंड हेलीकॉप्टर, दिस इज़ अटैक हेलीकॉप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड, दिस इज़ मेड इन इंडिया, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनियस अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड। इसके अलावा K9 वज्रो वॉज ऑल्सो इन न्यूज, ये क्या है बेसिकली, ये एक हॉविट्जर है, ठीक है, दिस इज हॉविट्जर K9 वज्र, ये ऐसी चीजें, ये पता है पूछा कैसे जाता है, इसी तरीके से पूछा जाएगा कि प्रचंड वॉज इन न्यूज, तो प्रचंड क्या है, एक अटैक हेलीकॉप्टर है, इंडिजिनियस अटैक हेलीकॉप्टर है, K9 वज्र वॉज इन न्यूज, ये क्या है, ये एक हॉविट्जर है, राइट। इसी तरह वी शोराड इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रिंट स्कीम के बारे में हमें बताना है, क्या सही है क्या गलत है। स्प्रिंट का फुल फॉर्म क्या होता है, सपोर्टिंग पोल वोल्टिंग इन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन फॉर NIIOTDAC, ये जो भी गंदे से नाम है ना, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, और ये स्प्रिंट का बिल्कुल सही फुल फॉर्म है, सपोर्टिंग पोल वोल्टिंग इन R&D थ्रू इनोवेशन, राइट, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है स्प्रिंट के बारे में। स्प्रिंट करेगी क्या, ये ट्रांसफॉर्म करेगी नेवी को, अभी हम बायर्स नेवी है, बाहर से ही सब कुछ खरीद रहे हैं, चाहे शिप हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, एयरक्राफ्ट कैरियर तो चलो हमने अभी बना लिया, कौन सा एयरक्राफ्ट बनाया है, कैरियर बनाया, बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, हमने कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर बना के उसको लॉन्च भी कर दिया, बहुत देसी लैंग्वेज में पूछा है, टेल मी। तो अभी हम बायर्स नेवी है, चाहे ड्रोन हो, चाहे फाइटर जेट्स हो, कोई भी इक्विपमेंट हो बाहर से खरीद रहे हैं, बट अब हमें बिल्डर्स नेवी बनाना है, अब हमें सब कुछ खुद ही मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमें सब कुछ बनाना है, और यही थॉट प्रोसेस है हमारा स्प्रिंट स्कीम के पीछे। इस स्प्रिंट स्कीम के पीछे हो क्या रहा है, अभी क्यों न्यूज़ में है, इंडियन नेवी हैज़ रिसेंटली इंक्ड एन एग्रीमेंट विथ सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, ये एक प्राइवेट फर्म है, ठीक है, प्राइवेट फर्म है जो ऑटोनोमस बोट स्वार्म्स बनाने को में हेल्प करेगी, मतलब इंडियन नेवी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की हेल्प से बोट स्वार्म्स बनाएगी, ऑटोनोमस बोट स्वार्म्स, ये स्प्रिंट स्कीम का मिशन है। एक और चीज़ इसमें क्या है पता है, हमें 75 इंडिजिनियस इनोवेशंस करने हैं, ये हमें 75 क्यों, ये ऑन द बिहाफ ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे के चक्कर में हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो इसलिए 75 इनोवेशंस हमें करने हैं, उसमें से एक इनोवेशन हमारा बोट स्वार्म है। तो यहाँ पे सारे ही करेक्ट ऑप्शन है, डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, स्प्रिंट स्कीम वॉज इन न्यूज, तो इसको ध्यान में रखोगे, राइट, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम स्टैटिक जीके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परमवीर चक्र. परमवीर चक्र क्या है? क्या ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंटरी अवार्ड है? बिल्कुल भी नहीं. देखो, गैलेंटरी अवार्ड, अगर मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं ताकि आपका दिमाग थोड़ा जो चोकअप हो चुका है वो क्लियर हो जाएगा. गैलेंटरी अवार्ड दो टाइप के होते हैं. एक होता है वॉर टाइम, मतलब नाम से समझ में आ रहा है वॉर के वक्त पे दिया होगा, और एक होता है पीस टाइम, जो वॉर वाली सिचुएशन में नहीं दिया जाता. ठीक है, वॉर टाइम होता है वो बेसिकली सोल्जर्स को ही मिलता है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को ही मिलता है, और पीस टाइम जो है वो सोल्जर्स एज वेल एज आपके सिविलियंस को भी मिल सकता है. ठीक है, सिविलियंस को भी मिल सकता है. ठीक है, तो नंबर 1 वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? परम वीर चक्र. अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म इसका लिख सकते हो. नंबर 1 वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र. परमवीर चक्र. सेकेंड इट इज महावीर चक्र, एंड थर्ड इट इज वीर चक्र. ठीक है, थर्ड वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? वीर चक्र. ठीक है, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है? अशोक चक्र. ठीक है, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र. सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड आपका क्या हो जाएगा? कीर्ति चक्र हो जाएगा, कीर्ति चक्र. और थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा हो जाएगा? शौर्य चक्र. ठीक है, शौर्य चक्र. इतनी बातें समझ में आ रही हैं? इतनी बातें क्लियर हैं? चलो बहुत बढ़िया. तो ये तो गलत हो गया भाई, पीस टाइम नहीं है, दिस इज वॉर टाइम. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाता है. इट इज रिप्लेसमेंट टू ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस. एग्जैक्टली, ये जो इंडियन नेवी में भी ये फ्लैग का थोड़ा चेंज किया गया है ना, ये जो आपको क्रॉस दिख रहा है, दिस इज विक्टोरिया क्रॉस बेसिकली, इसको ये बोला जाता है. ये एक रिप्लेसमेंट है, बहुत अच्छा पहले काम किया जाता था, तो ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर में, तो हमारे यहाँ पे परमवीर चक्र दिया जाता है. दिस इज नेवी का फ्लैग. ठीक है, अभी इसका रिप्लेसमेंट हुआ है, इसको हटा के हमने ये छत्रपति शिवाजी महाराज का एक कुछ इंसिग्निया लगाया है. इट कैन बी अवॉर्डेड टू सिविलियंस? नो, इट कैन नॉट बी अवॉर्डेड टू सिविलियंस. ये सिर्फ वॉर टाइम, मतलब सोल्जर्स के लिए ही है. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे, टू ओनली विद बी द करेक्ट स्टेटमेंट. समझ आ गया क्यों है ये ऐसा? चलो, सक्सेसफुली 10 क्वेश्चंस तक पहुँच चुके हैं. चेक कर लो कितने सही हुए कितने गलत हुए. देखो बहुत बुरी हालत है ना. ओके, नॉट टू वरी. इस वीडियो को देखने के बाद और एक बार रिवीजन करने के बाद, ऐसे ही देख के छोड़ मत देना. एग्जाम जब होगा, एग्जाम के बाद वापस ये वीडियो सेव कर लो. मैंने वापस रिवीजन कराना है इन सारी चीज़ों का, तो प्लीज़ बिना रिवीजन के नेगेटिव अटेम्प्ट ज़रूर होने वाला है, तो बिना रिवीजन के मत जाना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू मिसाइल हेलिना. देखो अब मिसाइल के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं. अब ये देखो, ये हो गया बड़ा वाला स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू मिसाइल हेलिना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, हेलिना इज हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल. कौन सा एंटी टैंक मिसाइल? देखो, एक नाग मिसाइल बोला जाता है एंटी टैंक मिसाइल, उसको हेलीकॉप्टर लॉन्च हमने बना दिया. एंटी टैंक मिसाइल, ये जो नाग था वो सरफेस टू एयर टाइप, मतलब सरफेस टू सरफेस था एंटी टैंक. फिर उसको हमने बोला कि हेलीकॉप्टर से उड़ा के भी हम नीचे के टैंक्स को मार सकें, ऐसा बनाना है, तो उसका नाम हमने हेलिना रख दिया. तो ये बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड, द मिसाइल सिस्टम हैज बीन डेजिग्नेटेड एंड डेवलप्ड बाय DRDO विद इसराइल. ये बिल्कुल गलत बात है, ये इंडिजिनस है. ठीक है, ये हमने खुद बनाया है. ये हेलिना जो है वो हमने खुद ने बनाया हुआ है. ठीक है, मेड इन इंडिया है, इसराइल की हेल्प से नहीं लिया है. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, क्या हो जाएगा? 1 ओनली वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट. चलो अब मिसाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. मिसाइल को आप अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो. जैसे कैसे क्लासिफाई करोगे? एक तो होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्रूज मिसाइल, देखो, आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैवल करता है. ठीक है, उसकी आप ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत हाई स्पीड होता है और
क्या बोलते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हो क्रूज मिसाइल को। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ये आपके एटमॉस्फियर के बाहर चली जाती है और अचानक से जो टारगेट होता है टारगेट पे जाके किल हो जाएगी। इसकी खास बात क्या होती है, इसका इंटरसेप्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत मिसाइल बहुत पास आ चुकी होती है, तभी रडार इसको सेंस कर पाता है कि भाई मिसाइल आ रही है। और जब तक ये रडार सिग्नल भेजे और वो लोग दूसरी मिसाइल लाए, तब तक तबाही मच चुकी होती है, ठीक है। क्रूज मिसाइल आपकी सामने सामने से आ रही होती है, तो उसका इंटरसेप्शन करना, इंटरसेप्शन क्या होता है, इंटरसेप्शन मतलब जैसे हमारे यहाँ पे भी हर जगह रडार लगे होते हैं, ताकि कोई अगर एनिमी की एयरक्राफ्ट या मिसाइल जा रही हो तो हमें पता चले कि यार ये कुछ एलियन है, कुछ एनिमी टाइप मिसाइल है, तो रडार उसको पकड़ लेता है, रडार सिग्नल देने लगता है ताकि हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स को पता चल जाए और वो उसके रिस्पॉन्स में अगर कोई मिसाइल हमें मारने आ रही है तो उसको स्पॉट करके उसी को मार दे, राइट, तो हमारा डैमेज ना हो। इसको इंटरसेप्शन बोला जाता है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इंटरसेप्शन। क्यों? क्योंकि इतनी तेज़ी से एटमॉस्फियर से आती हुई मिसाइल बहुत तेज़ी से आती है, जिसका इंटरसेप्शन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सी, एयर टू एयर, इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। और उसकी रेंज के हिसाब से भी हम उसे देखेंगे। शॉर्ट रेंज का मतलब जो 1000 किलोमीटर से कम की रेंज में मिसाइल ऑपरेट होती है उसको हम शॉर्ट रेंज बोल देंगे। मीडियम रेंज जो 1000 से 3500 1000 to 3500 किलोमीटर तक होती है। इंटरमीडिएट रेंज बेसिकली 5000 to 5000 किलोमीटर्स तक से नीचे जो मिसाइल होती है उसे इंटरमीडिएट रेंज बोला जाता है। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसको बोला जाता है, जो 5500 किलोमीटर से भी ज़्यादा जिसकी रेंज होती है उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ तो बहुत सिंपल कर दिया है मैंने आपके लिए, देखो ये बहुत अच्छा टेबल बना के रखा है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये सारी आपकी क्रूज मिसाइल है, ये सारी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये है सरफेस टू सरफेस। अब ये सब क्या है, दिस इज शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड लॉन्ग रेंज, ठीक है। तो अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल की बात करो तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन सी है आपकी, मतलब जो 1000 किलोमीटर से कम की है सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 एंड प्रहार मिसाइल, ठीक है। फिर आपकी मीडियम रेंज में कौन सी आ जाती है, 3000 टाइप्स, अग्नि 1। फिर इंटरमीडिएट रेंज जो आपकी 5000 किलोमीटर से कम होती है, अग्नि 2, 3 एंड 4। और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर आ जाती है आपकी अग्नि 5, अग्नि 6, सूर्या, ये कुछ कुछ अंडर डेवलपमेंट भी है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है, जो ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल है ना, इसको स्टार मार्क कर लो, इसको आप लैंड से भी ऑपरेट कर सकते हो, एयर से भी ऑपरेट कर सकते हो और सी से भी ऑपरेट कर सकते हो। मतलब ब्रह्मोस और निर्भय को आप, ये इतनी वर्सटाइल मिसाइल्स हैं कि इसको आप शिप में भी लगा के जा सकते हो, इसको आप सु-30MKI में भी अटैच कर सकते हो और ज़मीन पे तो रख ही सकते हो। तो ब्रह्मोस के बारे में खासकर ज़्यादा पढ़ना, ब्रह्मोस का हमने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है और ख़ुद बनाना भी शुरू कर दिया है और उसकी लॉन्ग रेंजेस भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ब्रह्मोस को एक और बार बहुत गूगल कर लेना अच्छे से, ठीक है, ठीक है। बाकी सरफेस टू एयर की बात करें, मतलब अगर कल को पाकिस्तान का फाइटर जेट हम पे आ रहा है तो हम उसका फाइटर जेट किस तरीके से मारेंगे, अगर बहुत पास आ चुका है तो हम शॉर्ट रेंज मिसाइल यूज़ करेंगे आकाश और त्रिशूल, ठीक है। मीडियम रेंज बराक, बराक की भी अलग अलग रेंजेस, शॉर्ट रेंज में भी आता है, लॉन्ग रेंज में भी आता है, ये हमने इजराइल से ली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बराक।
फिर एयर टू एयर की बात करें, मतलब सुखोई से हमें सामने वाला का F-16 उड़ाना है, तो क्या करेंगे हम? अस्त्रा, मीका, ये सारी मिसाइल्स हमने कब कहाँ पड़ी थी? रफेल में अटैच हुई पड़ी हुई थी, है ना? जो हमने जूम क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ी थी अस्त्रा मीका मिसाइल, ये सारी रफेल में अटैच्ड है, ये एयर टू एयर मिसाइल है, लॉन्ग रेंज। सी वाली कौन सी? बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ये सबमरीन लॉन्च है, ठीक है? धनुष, धनुष, सागरिका, K-4, K-5, ये आपकी सबमरीन या तो शिप लॉन्च भी आप कह सकते हो। और एंटी टैंक कौन सी है? नाग। और नाग को हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन आपका हेलीना हो जाएगा, राइट? क्लियर है? ये सारी मिसाइल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। बाकी जो नेक्स्ट मिसाइल है, ये आपकी करंट अफेयर्स वाली मिसाइल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। इंडिया की पहली टेक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, पहली क्वासी बैलिस्टिक, दिस इज आपकी प्रलय मिसाइल, ठीक है? ये भी पूछा जा सकता है, प्रलय वॉज इन न्यूज, प्रलय क्या है? ये आपकी शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है? इंडिया की पहली, ओके, याद रहेगा प्रलय, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अग्नि प्राइम न्यूज में है बहुत ज्यादा, हर दूसरे दिन अग्नि प्राइम न्यूज में हो रही है। इसकी रेंज क्या है? अग्नि प्राइम, इसमें कंफ्यूज मत होना, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कंफ्यूज नहीं होना है। अग्नि प्राइम इज योर 1000 से 2000 किलोमीटर वाली रेंज, ठीक है? बाकी सारी अग्नि मिसाइल्स का मैंने आपको लिख के दे दिया कि क्या उसकी रेंज होती है, या आपकी रेंज है या आपकी स्पीड है, ठीक है? मैक में क्यों मेजर की जाती है? मैक में मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड होता है, ठीक है? स्पीड की साउंड मतलब 1 मैक, जो एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से चलता है उसको 1 मैक बोला जाता है, जो 1 मैक से ज़्यादा चलता है वो साउंड की स्पीड से भी तेज हो जाता है, ठीक है? तो उस रिस्पेक्ट में माना जाता है ये मैक, तो ये स्पीड ऑफ साउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं इसकी स्पीड को, मिसाइल की स्पीड को और फाइटर जेट की स्पीड को, ठीक है? चलो, टाइप 11 वाला क्वेश्चन, भाई छक्के छूट गए ना अभी तक, चलो ठीक है। टाइप 11 क्वेश्चन, रिगार्डिंग द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPF, अगर आपको ध्यान ना हो तो पढ़ा था ना, चलो एक बार देख लेते हैं क्विक, पैरामिलिट्री और मिलिट्री में क्या डिफरेंस होता है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो होता क्या है, प्योर मिलिट्री की बात करें तो प्योर मिलिट्री होता है आपका इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, सिर्फ यही तीन फोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ही मिलिट्री में आते हैं, बाकी सारी जो आपको दिख रहा है वो पैरा में आता है, ठीक है? पैरा में आता है, जैसे चलो ठीक है अभी मिनिस्ट्रीज को छोड़ देते हैं, पैरा में कौन कौन सा आता है आपका? इंडियन कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, सशस्त्र सीमा बल, ये सारा आपका पैरा मिलिट्री में आता है। बट अब डिफरेंस पता है क्या है? ICG और पूरा मिलिट्री को कौन संभालता है? मिलिट्री ऑफ डिफेंस, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालता है, और बाकी सारी पैरा मिलिट्री एक्सेप्ट फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड आपका कौन संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वैसे मैं आपको बता दूं, पैरा मिलिट्री कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, इसको हम लेमैन लैंग्वेज में यूज करते हैं जनरली, तो इसको CAPF ही बोला जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो आपको इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का तो रोल पता ही है कि क्या रोल है, इंडियन कोस्ट गार्ड का क्या रोल है, ये एक सपोर्ट सिस्टम ऑफ आर्मी का बेसिकली काम करती है, और हमारी मेरीटाइम बाउंड्रीज हैं उनका प्रोटेक्शन करती है। चलो पैरामिलिट्री का रोल अगर हम थोड़ा सा देख लें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे असम राइफल्स हैं, असम राइफल्स हमारे इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पर तैनात रहती है, ठीक है? इंडिया और म्यांमार। ITBP की अगर हम बात करें, ये इंडिया चाइना वाले बॉर्डर पे खड़ी रहती है। SSB हमारी दो कंट्रीज से हमें प्रोटेक्ट करती है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भी खड़ी होती है और इंडिया भूटान बॉर्डर पे भी खड़ी होती है, सशस्त्र सीमा बल। CRPF की अगर हम बात करें, CRPF हमारी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पहले खड़ी होती थी, फिर उसको रिप्लेस कर दिया BSF ने, अब वो हमारे इंटीरियर
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है CRPF, और बाकी BSF एक्चुअल इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को सराउंड करती है, ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। NSG का काम क्या है? NSG अगेन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में हेल्प करता है, जैसे जब मुंबई अटैक हुआ था NSG ने शुरू कर दिया था, ये ऑपरेशन NSG को दे दिया गया था कि होटल ताज अटैक जो हुआ था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस का केस था, तो NSG ने संभाल लिया था। NSG को ब्लैक कैट्स भी बोला जाता है, राइट, ठीक है। CISF आपकी कहाँ देखा है आपने? मेट्रो स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स में, वहाँ सब देखा है ना। तो ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, तो आप समझ में आ जाएगा। अब चलो आप ही इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, आसाम राइफल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर होता है, इज इट करेक्ट? सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल, इंडो भूटान, ये सारा आप इसका आंसर बताओगे, ठीक है, कि क्या है। अब अच्छे से इस वाली पर्टिकुलर स्लाइड को देख लो एंड मार्क द आंसर नाउ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, प्रोजेक्ट 75, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है, किससे एसोसिएट है? सबमरीन से। इससे भी अच्छा आंसर हम दे सकते हैं, मॉडर्नाइज्ड कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से रिलेटेड है प्रोजेक्ट 75I, राइट, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मोर करंट अफेयर्स, वेयर इज एशियाज हेलीकॉप्टर यूनिट इनोग्रेटेड? ये इंडिया में है इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कर्नाटका के तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट में, ये HAL का है, ठीक है, HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहे हैं अब, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसको, राइट, तुमकुरु इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिक लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी तक ज्योग्राफी, अच्छा आपने ज्योग्राफी की पूरी वीडियो देख ली क्या, जो मैंने 3-4 घंटे की बनाई थी, उसके सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं ना तो भाई देयर इज़ नो गोइंग बैक, तो इसी चैनल पे वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ज्योग्राफी की लंबी वाली वीडियो और पॉलिटी की लंबी वाली वीडियो अभी तक मैं बना चुकी हूँ। पॉलिटी इज 6 आवर्स की लॉन्ग वीडियो एंड ज्योग्राफी इज 4 आवर्स की लॉन्ग वीडियो, तो पूरी वीडियो को आराम से देख लेना, आपका पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कंसेप्चुअली क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब तक सिर्फ ज्योग्राफी में नॉर्थ टू साउथ का क्वेश्चन आता था, अब इसमें भी आने लग गया। चलो देखते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है? अभी देखा था देहरादून में, राइट, ठीक है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे है? चेन्नई में है, राइट। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA कहाँ पे है? खड़कवासला पुणे में है, राइट। नेशनल डिफेंस कॉलेज ये कहाँ है? ये नहीं पता था ना, सच बताओ, न्यू दिल्ली में। और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट ये कहाँ पे है? सिकंदराबाद में है, राइट, सिकंदराबाद में। अब नॉर्थ टू साउथ अलाइन करना पड़ेगा, सबसे ऊपर तो देहरादून होगा, सबसे नीचे चेन्नई होगा, तो ए सबसे लेफ्ट साइड, बी सबसे राइट साइड, ऐसे कौन से ऑप्शन है? ए बी, ठीक है, इन दोनों में से एक हो सकता है, ये तो नहीं होंगे, ठीक है। देहरादून से नीचे क्या आता है? न्यू दिल्ली पड़ता है, तो ए के बाद डी आना चाहिए, ए के बाद डी, ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट। इस तरीके से टाइम को शॉर्ट करके किया जाता है, राइट, तो बी वुड बी द सेकेंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ आ गया। चलो उसी के साथ सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मैं आपको दे रही हूँ, इंडियन आर्मी के, एयरफोर्स के और इंडियन नेवी के, ये बैठ के आप रटते रहना, ठीक है। जहाँ पे सेलर्स ट्रेनिंग होती है वो कहाँ है? INS चिल्का उड़ीसा में, ठीक है। गरुड़ा एयर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? कोची में। इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग कहाँ होती है? जामनगर में। तो नेवी का तो फिर भी इट इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू आर्मी एंड एयरफोर्स इसके सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत, सबसे ज़्यादा आर्मी के ही पढ़ना, आर्मी के ही पूछे जाते हैं कि कमांडो स्कूल कहाँ पे है, या आपका मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ पे है, या तो आपकी कैट्स कहाँ पे है, कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, या तो ये तो बहुत बार पूछा गया है हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, उसको बैठ के रटना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप 15 क्वेश्चन, वाओ
देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर ए, कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15. अच्छा, अभी तक हमने प्रोजेक्ट 75 देखा था, ये प्रोजेक्ट 15 पे हम पहुंच चुके हैं. प्रोजेक्ट 15 अल्फा कोलकाता क्लास की शिप्स हम बनाते हैं. इसमें स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं बेसिकली ये इंडियन आर्मी के. बिल्कुल सही बात है. इसमें कोलकाता क्लास में कौन कौन से शिप्स हम बना रहे हैं? INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई, ये सारे बना कौन रहा है? MDL मेजागोन डॉक लिमिटेड. इसका नाम कहाँ सुना था हमने? सेम प्रोजेक्ट 75 में भी सुना था. ये सबमरीन भी बना रहे हैं और कोलकाता क्लास के भी शिप्स बना रहे हैं. ठीक है, प्रोजेक्ट 15 ब्रावो किससे डील करता है? ये विशाखापट्टनम क्लास की शिप्स बनाता है. ये भी एक डिस्ट्रॉयर ही है, एक टाइप का डिस्ट्रॉयर ही है, जिसके अंदर INS विशाखापट्टनम, INS मुर्मुगाओ, इसके कमिशनिंग की वजह से ये पूरा, इसलिए ये न्यूज़ में था. प्रोजेक्ट 15 अल्फा और प्रोजेक्ट 15 ब्रावो, इसलिए ये न्यूज़ में था. मुर्मुगाओ वॉज इन न्यूज़. इसके अलावा INS इम्फाल और INS सूरत को भी बनाया जाएगा. दीज ऑल आर विशाखापट्टनम क्लास ऑफ शिप्स प्रोजेक्ट 15 ब्रावो. समझ आ गया? प्रोजेक्ट 15 अल्फा कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, प्रोजेक्ट 15 ब्रावो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स. ठीक है, इसमें कितने सही स्टेटमेंट्स हैं? दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं, बोथ 1 और 2. सी वुड बी द करेक्ट आंसर. चलो 16. कमांडो यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स. सब क्लियर दिखाई दे रहा है? कितनी मोटिवेशनल, मतलब कितनी जोश भरी इमेजेस है ना यार. इंडिया की नेवी की, सॉरी इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस आपकी पैरासेफ है, एयरफोर्स की गरुड़ है, एयरफोर्स की ही पूछी है. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी वुड बी द राइट ऑप्शन. और नेवी के स्पेशल फोर्सेस के अगर नाम पूछा तो क्या होगा? मरीन कमांडोज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मार्कोस बोलते हैं. मार्कोस मरीन कमांडोज, राइट? सी वुड बी द राइट आंसर. क्लियर हो गया स्पेशल फोर्सेस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बोइंग ने कोलैबोरेट किया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फॉर इंडियन आर्मीज AH-64 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स. मतलब अब हम AH-64 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बोइंग के साथ साथ और कौन सी कंपनी बनाएगी? कंग्रेचुलेशन, टाटा बनाएगी. ठीक है, टाटा और बोइंग मिला के हमारा AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे. ठीक है, ये टाटा और कहाँ न्यूज़ में था? देखो, टाटा अपना डिफेंस एक्सपांड कर रहा है, अपाचे हेलीकॉप्टर तो बनाएगा ही बोइंग के साथ मिलके, बट उसके साथ साथ वो एयरबस के साथ मिलके आपका C-295 एयरक्राफ्ट भी बनाएगा. कहाँ बनाएगा? वडोदरा गुजरात में, राइट? समझ आ रहा है? एयरबस के साथ मिलके बनाएगा C-295 एयरक्राफ्ट और बोइंग के साथ मिलके बनाएगा AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर. ठीक है, हेलीकॉप्टर और भी ध्यान से देख लो, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. कौन से टाइप का हेलीकॉप्टर है और कौन से कंट्री से हमने लिया था? लाइट कॉम्बैट LCH बोला जाता है इसको. ठीक है, LCH ये हमारा खुद का इंडिया का बनाया हुआ अटैक हेलीकॉप्टर है. अटैक हेलीकॉप्टर इसकी हम अभी बात कर रहे थे, बोइंग AH-64 अपाचे, ये US से हमने लिया है. बोइंग जो है वो एक US की कंपनी है. ठीक है, US की. अब टाटा उसके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में ही बनाएगा. ठीक है, फिर ये जो मी वाले सारे होंगे ना, मी वाले और सू वाले, ये सारे रशिया के होंगे, हाल के इंडिया के होंगे. हाल इज इंडियन कंपनी. हाल रुद्रा इज आर्म्ड हेलीकॉप्टर फ्रॉम इंडिया. चिनूक आपका ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है USA का. मी वाला रशिया का ही है, हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर. यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट रशिया का Mi-17 है. बाकी ध्रुव, चेतक, चीता, ये सारे आपके यूटिलिटी एयरक्राफ्ट हैं, फ्रांस और इंडिया ने कोलैबोरेट करके बनाया है. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन सा हो जाएगा? इल्यूसिन. ये सब पूछे जाते हैं, पता है कि ट्रांसपोर्ट कौन सा है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर कौन सा है,
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है, फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के नाम कुछ बताओ। इल्यूशिन IL-76 सोवियत यूनियन से लिया है, बोइंग C-17 यूनाइटेड स्टेट से लिया है, C-130J सुपर हर्क्यूलस हमने अमेरिका से लिया है। देखो अभी हम है ना बाहर से इंपोर्ट्स, डिफेंस में हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, उसी के लिए हमने आत्मनिर्भर भारत स्प्रिंट वाली स्कीम वगैरह रिलीज की है, ताकि हम बायर्स से अब एक्सपोर्टर्स बने, है ना, बिल्डर्स बने। एंटोनोव AN-32 हमने यूक्रेन से लिया है, हॉकर सिडली हमने लिया है यूके से, और डोर्नियर हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, इतनी इक्विपमेंट्स की लिस्ट और आती जाएगी क्वेश्चंस के साथ साथ, तो ध्यान से देखेंगे। राइट, हु वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरन असाइनमेंट एट BRO? BRO क्या है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, BRO पे फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन सी है जिनको फॉरेन असाइनमेंट में भेजा गया है? स्टार्टिंग से देखते हैं। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, ये हमने कहाँ पढ़ा? ये हमने पढ़ा वीर गार्जन एक्सरसाइज में उनको भेजा गया है, वीर गार्जन जापान भेजा गया है। ये क्या उड़ाएंगी? Su-30MKI, फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई फाइटर जेट, अवनी चतुर्वेदी, है ना। जब अब तो ये स्क्वाड्रन लीडर बन गई, हम इनका नाम कब से सुन रहे हैं? जब से ये फ्लाइंग ऑफिसर थी। राइट, ठीक है। कैप्टन शिवा चौहान, इनका नाम हमने कब सुना था करंट अफेयर्स में? शी इज दी विमेन ऑफिसर जिनको सियाचिन ग्लेशियर पे पोस्ट किया गया है ना, सियाचिन पे उनको पोस्ट किया गया है। कैप्टन सुरभि जाक मोला, शी इज दी वन द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर जिनको फॉरन असाइनमेंट आर्ट BRO भेजा गया है। कैप्टन सुरभि जाक मोला, राइट, याद रहेगा। चलो बढ़िया। दीसा एयरबेस कहाँ पे है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। दिस इज ओनली अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी पाकिस्तान का बॉर्डर। दिस इज इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। दीसा एयरबेस न्यूली इनॉग्रेट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक फॉर इंडिया। राइट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन ओकेशन ऑफ 90th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम सब के लिए जो जो एफकेट दे रहे हैं। द सेंटर हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस फॉर इंडियन एयरफोर्स? क्या फ्लाइंग ब्रांच है? ये तो पहले से ही है। अग्निवायु? नो, दिस इज नॉट फॉर ऑफिसर्स, दिस इज ओनली फॉर योर एयरमैन, है ना। जेट सिस्टम? नो, इट इज द वेपन सिस्टम ब्रांच, जिसमें आपकी मिसाइल के ऑपरेटर्स होंगे, जिसमें ट्विन जेट सिंगल जेट के इंस्ट्रक्टर्स वगैरह लोग होंगे। वेपन सिस्टम ब्रांच को, ये पहली ब्रांच है आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसको न्यूली क्रिएट किया गया है। ठीक है, बाकी सारी ब्रांचेस जो रॉयल एयरफोर्स की थी वैसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बट दिस इज द वेरी फर्स्ट ब्रांच आफ्टर आपका इंडिपेंडेंस जो क्रिएट की गई है, वेपन सिस्टम ब्रांच। आपने इस बार AFCAT में इसका इसके नाम पे सीट्स भरी होंगी, है ना, प्रायोरिटी भरी होगी, है ना। ठीक है, 21st क्वेश्चन, वाओ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? फर्स्ट कौन थे? बिपिन रावत। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी फैमिली और कलीग्स के साथ, तो उनके बाद अपॉइंट किया गया था लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। ठीक है, ही इज नन अनदर देन सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। राइट, फर्स्ट कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट चीता किसका है? ये प्रोजेक्ट चीता इंडियन एयरफोर्स का है। क्या करेंगे? जो इसराइल से ड्रोन आ रहे हैं ना, इसराइल के ड्रोन को इक्विपिफाई करेंगे, ये कोई टर्म नहीं होता, इक्विप्ड करेंगे बेसिकली, इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वेपनाइज करेंगे ड्रोन्स को, इसराइल के ड्रोन्स को और ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। ये एयरफोर्स का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चीता। राइट, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? ऑलरेडी देख चुके हैं, फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन है? ही इज ऑल्सो सेकेंड फील्ड मार्शल। राइट, याद आया, सेकेंड फील्ड मार्शल भी हैं ये। कौन है? K
एम करियप्पा, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, राइट। देखो ये डिफेंस से रिलेटेड फर्स्ट फर्स्ट जो भी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्विकली साथ में एक बार स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बलदेव सिंह, फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन हो जाएगा, कौन, को डंडेरा मडप्पा करियप्पा, ठीक है, सॉरी इफ आई एम मिस प्रोनाउंसिंग इट, के एम करियप्पा फर्स्ट कमांडर इन चीफ, ठीक है। फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयरफोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है, सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, इनको फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी बोला जाता है। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन है, सैम मानेकशॉ, फर्स्ट फील्ड मानेकशॉ, सॉरी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सबसे पहला परमवीर चक्र किसको मिला है, परमवीर चक्र सबसे पहला मेजर सोमनाथ शर्मा को। अभी हम देखेंगे कौन से ऑपरेशन में उनको परमवीर चक्र मिला है, सब कुछ आराम से देखेंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा, फर्स्ट फीमेल जवान ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब रैंक बिलो दी ऑफिसर्स रैंक, पोजीशन बिलो दी ऑफिसर्स रैंक ऐसे बोला जाता है ना, शी इज शांति टिग्गा, शांति टिग्गा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो, अभी अभी इनका नाम लिया था, एयरफोर्स ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी। यहाँ पे एयरफोर्स ऑफिसर क्यों लिखा है, क्योंकि शी स्टिल सर्विंग, उनका प्रमोशन होके रैंक बदल जाएगा। अभी यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर लिखा होता तो गलत हो जाता ना, बिकॉज शी इज नाउ स्क्वाड्रन लीडर, इसलिए जब तक वो सर्विंग है उनका एयरफोर्स ऑफिसर ही लिख के आएगा। जब वो रिटायर हो जाएंगे तब तो उनका रैंक फिक्स हो जाएगा, तब अपडेशन हो जाएगा, जो भी रैंक से वो रिटायर हो जाएंगे उनके बाद अवनी चतुर्वेदी नाम लग जाएगा। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, ओके, फर्स्ट कॉस्मोनॉट स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ये तो हम सबको पता था। पहली वुमेन जिनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला ओटीए से, दिव्या अजित कुमार। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी। फर्स्ट नेवल चीफ, अच्छा करंट आर्मी चीफ और नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ तो आपने ऑलरेडी कमेंट में लिख चुका है ना, इसलिए मैं आपको फर्स्ट फर्स्ट ही बता देती हूँ, ठीक है, ओके। फर्स्ट मतलब अभी जो करंट COS है तो वो तो मैंने आपको बता ही चुका है, जनरल मनोज पांडे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ वाइस एडमिरल RD खत्री। फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय, वुमेन है ये, देखना। फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट दर्बा बैनर्जी। पहली वुमेन जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पहुंच पाई है, पुनीता अरोरा। उसके अलावा फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स हरिता कौर दयाल, ठीक है। ये कुछ फर्स्ट फर्स्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। इंडियन आर्मी के फादर कौन है, फादर आए हैं, बस्सी का डायलॉग याद आ रहा है ना, ठीक है। स्ट्रिंजर लॉरेंस आपके फादर ऑफ इंडियन आर्मी है, ठीक है। सुब्रतो मुखर्जी कौन है, आपके फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, फर्स्ट आपका अभी अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। नेवी का फादर कौन है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। नेवर बेंड योर हेड, ऑलवेज होल्ड इट हाई, बाई फादर ऑफ इंडियन नेवी, याद रखना, ठीक है। तीनों मिलिट्री फोर्सेस के फादर आप याद रखोगे, ठीक है। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, इतना तो पता ही होना चाहिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आपको सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट है, नेवी का कौन है, आर्मी का कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोटो ऑफ इंडियन आर्मी, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। नेवी का पूछा जाए तो मे द लॉर्ड ऑफ ओशीन बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, श नो वरुणा, ठीक है। ये सारे है ना, फ्लैग देखते जाना, फ्लैग आराम से, ये SSB के प्राइम क्वेश्चंस है। रिटन में भले 2 से 3 क्वेश्चंस ही आए, बट SSB में भर भर के आपसे यही पूछा जाएगा। तो यस, एक बार अभी पढ़ रहे हो, एक बार रिविजन के टाइम पढ़ोगे, और एक बार SSB के टाइम पे ये वीडियो ज़रूर देख के जाना। SSB में मेरी याद आने वाली है वरना आपको, ठीक है। एयरफोर्स का क्या है आपका मोटो, जो भगवद गीता से उठाया गया है, टच द स्काई विद ग्लोरी, नभ स्पृशम दीप्तम। इनके डेज अगर थोड़ा सा हम याद कर लें, आर्मी डे 15 जैन को मनाते हैं, नेवी डे 4 दिसंबर को, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को,
राइट right? तीनों के हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है. काम क्या करते हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट right? ठीक है. आर्मी डे मनाया क्यों जाता है? वाह, अभी हमने देखा 15 जनवरी को मनाते हैं. इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी इस दिन? नो, क्या घटिया बात है. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 15 जन को? नहीं, 15 अगस्त को हुआ था ना वो तो. इंडिया लिबरेटेड बांग्लादेश आफ्टर 1971 वॉर? नहीं, इस रीजन से तो हम अपना नेवी डे बनाते हैं, है ना, कि ये ऑपरेशन ट्राइडेंट वगैरह हुआ था उस वजह से हम 4 दिसंबर को नेवी डे बनाते हैं. आर्मी डे बनाने का रीजन है क्योंकि 15 जनवरी को हमारे जो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा है उन्होंने फर्स्ट कमांडर इन चीफ के रूप में टेक ओवर किया था. कहाँ से टेक ओवर किया था? फ्रॉम जनरल सर फ्रांसिस बुचर. वो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे. ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हु वॉज द लास्ट कमांडर इन चीफ फ्रॉम ब्रिटिश? तो ही इज जनरल सर फ्रांसिस बुचर. वहाँ से टेक ओवर किया के एम करियप्पा ने, फर्स्ट कमांडर इन चीफ एंड सेकेंड फील्ड मार्शल, याद रहेगा. ठीक है, 27th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम अटकने वाले हैं. क्यों? गोवा को कब लिबरेट किया गया था पोर्टुगीज से? 1947 में, है ना, सही आंसर लग रहा है आपको. 1947 में पूरा देश रेस्क्यू हो गया था गोवा, तो कौन सी बड़ी बात है. तो आंसर गलत है आपका, पूरा देश रेस्क्यू हो गया था, गोवा नहीं हुआ था. गोवा आपका रेस्क्यू हुआ था 1961. बताओ कौन से ऑपरेशन में? ऑपरेशन विजय गोवा गए थे, तो ये तो पढ़ना था मेन आपको सारे फोर्ट विजिट करते हुए कि कब और कैसे रेस्क्यू किया गया. ठीक है, तो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के एक बार है ना ऑपरेशंस देख लेते हैं, हाईलाइट फटाफट से देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए. ऑल ऑपरेशंस डिकोडेड इंडियन आर्मी के राइट फ्रॉम 1947. ठीक है, सबसे पहले जब इंडिपेंडेंस मिली फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर हो गया. क्यों? क्योंकि पार्टीशन किया और बस कश्मीर पर लड़ाई शुरू हो गई 1947-48 का टाइम में. ठीक है, महाराजा हरि सिंह थे जो कि कहीं जाना नहीं चाहते थे, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में. तो फिर पाकिस्तान वालों ने हमला कर दिया तो हरि सिंह भाग के आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया कि चलो ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अलग फ्लैग होगा और आर्टिकल 370 दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस. उसके बाद इंडियन आर्मी ने हेल्प की कश्मीर को रेस्क्यू कराने में फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी, और उसमें ही परमवीर चक्र दिया गया था किन किन को? मेजर सोमनाथ शर्मा को, लांस नायक करम सिंह को, लेफ्टिनेंट जनरल रामा राघोबा राणे को, नायक जादू सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत. इन सब को परमवीर चक्र दिया गया था इन द फर्स्ट कश्मीर वॉर इटसेल्फ. उसके बाद हैदराबाद को भी रेस्क्यू करना था, वो भी नाटक कर रहा था कि हमें इंडिया में नहीं आना नहीं आना करके. तो ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया गया और हैदराबाद को इंडिया में ऐड किया गया. ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन किस लिए हुआ था और कब हुआ था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. फिर आता है हमारा गोवा लिबरेशन वॉर ऑपरेशन विजय 1961, जिसमें सारी पोर्टुगीज एस्टैब्लिशमेंट को हमने हटा दिया था. गोवा दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली अब इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन चुका था. देन आपका सीनो इंडो वॉर, जिसमें इंडिया को बहुत बुरी तरह से देखना पड़ा था 1962. बहुत बुरी हालत हुई थी हमारी, वी वर नॉट वेरी मच रेडी डिफेंस वाइज. ठीक है, 1962 चाइना के साथ वॉर हुआ था. उसके बाद पाकिस्तान वॉर शुरू हो गया 1965 में, जिसमें पाकिस्तान ने ऑपरेशन जुबलातार भी किया, टास्क एंड डिक्लेरेशन भी हुआ पीस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए कि चलो सीज फायर बोल दिया गया, आप भी हमला मत करना हम भी नहीं करेंगे. फिर आपका इंडो पाकिस्तानी वॉर वापस से हुआ 1971, जिसमें हमने बांग्लादेश को लिबरेट करने में हेल्प कराया. इसमें बैटल ऑफ लोंगेवाला, बैटल ऑफ हिली, बैटल ऑफ बसंतर वगैरह होता रहा.
हम दोनों एंड पे लड़ रहे थे, पाकिस्तान एंड पे भी लड़ रहे थे और बांग्लादेश की तरफ से भी हम उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और पाकिस्तान, सॉरी, बांग्लादेश का जन्म हो गया उसके बाद 1971। फिर आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। ये जो सिख लीडर थे उनको कैप्चर करना, वो छुप गए थे गोल्डन टेम्पल में, अमृतसर में, तो इंदिरा गांधी ने अटैक करवाया और उसकी वजह से क्या हुआ, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हो गया बाई हर ओन गार्ड्स। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था बेसिकली सिख टेररिस्ट को कॉम्बैट करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत 1984, सियाचिन ग्लेशियर को बचाने के लिए, राइट। उसके बाद ऑपरेशन पवन हुआ था श्रीलंका को रेस्क्यू करने में 1987 में। देन मालदीव्स के लिए आपका ऑपरेशन कैक्टस हुआ था 1988 में, राइट, मालदीव्स को हेल्प आउट करने के लिए। एंड देन आपका वापस से ऑपरेशन विजय हुआ था 1999 में, जिसको कारगिल वॉर भी हम कहते हैं, ठीक है, कारगिल वॉर भी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे जिनको आप याद रखोगे, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं दोबारा से। वेयर विल डिफेंस एक्सपो 2023 हेल्ड, कहाँ पे होगा डिफेंस एक्सपो 2023? अक्टूबर के महीने में होने वाला है गांधीनगर में। इस बार कहाँ पे हुआ था 2022 वाला, सेम गांधीनगर में ही हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। डिफेंस एक्सपो 2022, इस बार का हमारा एम क्या था कि हमें 2024 तक $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, वर्थ 5 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स हमें करने हैं। रिलेटेड टू व्हाट? डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट्स करने हैं टिल 2024, ये हमने एम बना के चला है, ठीक है। डिफेंस एक्सपो 2022-2023 याद रखना। उसके बाद MiG-29K कहाँ डिप्लॉय हुआ है? MiG-29K आपका इंडियन नेवी का है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ करंट अफेयर्स में है, थोड़ा ध्यान रखना, तेजस की सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल्स सक्सेसफुल हो चुके हैं। कहाँ से? INS विक्रांत से, द एयरक्राफ्ट कैरियर, राइट, ये भी न्यूज़ में था, तो थोड़ा ध्यान रखना तेजस। अच्छा, ये जो इक्विपमेंट्स वाले सारे क्वेश्चन, ऐसे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं MiG-29K, तो ये सारा मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है, ध्यान से देखना, ठीक है। इक्विपमेंट, नेवी के पास कितने इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो पहले हमारे पास विक्रांत था, मतलब अभी हमारे पास विक्रांत है जो मेड इन इंडिया है, इसी की बात कर रहे थे, INS विक्रांत, और पहले रशिया का INS विक्रमादित्य था। दिस इज ऑल्सो एयरक्राफ्ट कैरियर, शिप जैसा दिखता है ना, जहाँ पे लैंड होते हैं सारे फाइटर जेट्स, दीज आर एयरक्राफ्ट कैरियर। डिस्ट्रॉयर क्लास में हमने क्या पढ़ा था? विशाखापट्टनम क्लास, जो प्रोजेक्ट 15B से हम बना रहे थे। कोलकाता क्लास, जो प्रोजेक्ट 15 अल्फा से हम बना रहे थे, है ना, ये सारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्लास के शिप्स हैं। फिर दिल्ली क्लास भी है, राजपूत क्लास भी हैं। फिर फाइटर जेट्स नेवी के पास कौन कौन से हैं? MiG-29K, ये सारी इक्विपमेंट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक आधा क्वेश्चन भी आ सकता है, बाकी SSB के लिए तो सुपर इम्पोर्टेंट है। MiG-29K, डॉर्नियर, इल्यूसिन, नेवी के पास कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं? ध्रुव है, सी किंग है, MH-60R है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सबमरीन की बात करें तो हमारे पास चक्रा और अरिहंत, ये हमारे पास अटैक सबमरीन्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर जिसको हम कह सकते हैं, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन चक्रा और अरिहंत है हमारे पास, ठीक है। चक्रा तो हमने रशिया से ली थी, बट अरिहंत इज मेड इन इंडिया। डीजल इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो हमारे पास शिशुमार क्लास है। कलवरी क्लास को हम प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत बना रहे हैं, और सिंधु घोष क्लास भी है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी सी आप SSB में जाके बताओगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, इसको इंटरेस्ट तो है डिफेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन आर्मी के पास कौन, अच्छा ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ना, ये तेजस वगैरह वाले, ये जूम क्लास में मैंने इन डिटेल पढ़ाए हुए हैं, है ना, कि वो पर्टिकुलर तेजस में क्या क्या होता है, कितनी मिसाइल लगती हैं, कितनी क्या होते हैं, तो वहाँ पे वो आपको देखने को रहेगा।
इंडियन आर्मी के पास कौन कौन से टैंक्स हैं? T-55, T-72, T-90 भीष्मा, अर्जुन जो खुद DRDO ने बनाया है। आर्मी के पास कौन से हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट हैं? उनके पास आपके अब ध्रुव, चेता, चीतक, निशांत, ये सब है, राइट। एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम कौन सा है? अस्त्र, त्रिशूल और आकाश। बाकी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पिनाका BM-21 है, ठीक है। एयरफोर्स की ये सारी चीज़ें हमने इन डिटेल कहाँ देखी है, वापस बता रही हूँ, डिफेंस मेनिया ऐप पे। वो फ्री क्लास है, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, आराम से बैठ के उसको देखना, जहाँ पे हमने तेजस, ध्रुव, इन सारे सुखोई, मिराज, राफेल, इन सबको इन डिटेल देखा है। तो फ्लाइंग ब्रांच और एफकेट वाले बच्चे तो बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक आधा क्वेश्चन आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इज इट 30 पे पहुंच गए हम लोग, वाओ। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शिप, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शिप, इट इज क्वेश्चन नंबर 29 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज 29 एंड दिस इज 30, वाओ। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शिप क्या है? आर्किमिडिस प्रिंसिपल से चलता है, ठीक है। शिप कैसे चलता है? आर्किमिडिस प्रिंसिपल से, मतलब वेट ऑफ शिप प्लस वेट ऑफ इट्स कार्गो शुड बी इक्वल टू द जो आपका अप थ्रस्ट लगता है। अ स्टील शिप कैन फ्लोट बाय डिस्प्लेसिंग एन अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल्स टू इट्स टोटल वेट। जितना डिस्प्लेस कर रहा है, जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, उतना वेट उसका होना चाहिए, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे ये बताओ, प्लेन कैसे उड़ता है? हमने ये देख लिया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शिप क्या होता है, आर्किमिडिस प्रिंसिपल। तो आप मुझे ये बताओ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑफ आपका एरोप्लेन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये बताओगे आप मुझे, बाकी वी आर डन फॉर दैट, एंड आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड टू नो कि विच ब्रांच, विच रेजिमेंट और विच डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस यू वॉन्ट टू ज्वाइन, ठीक है। बहुत लोगों ने ये डिसाइड भी नहीं किया होगा कि भाई हमें क्या ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और जो आपको ब्रांच या जो डिपार्टमेंट या जो कैटेगरी का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपको जिस रेजिमेंट में जाना है, उसका मोटो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना, आई विल गेट टू नो, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे हमें मिल सकते हो, दिस इज डिफेंस मीनिया का इंस्टा पेज, दिस इज माई, आई एम शिवानी सोनी, एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन फॉर यू नो ऑल द क्लास अपडेट्स एंड द PDF नोट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी डाउट हो, जो भी सजेशन हो, जो भी रिक्वेस्ट हो, राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट टू यू एज सून एज पॉसिबल। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर, I'll see you in the next class. Till then, goodbye and Jai Hind.